दोस्तों यह है इमरजेंसी बल्ब जो कि अब जल नहीं रहा है, ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, देखिए ये नहीं जल रहा है। तो आज इस वीडियो में इसको ठीक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, देखिए इसको यहाँ से खोलेंगे। अगर ऊपर से खोलेंगे तो LED निकल आएंगी और नीचे सर्किट निकलेगा। तो इसके सर्किट में ही कमी है, इसलिए इसके सर्किट को खोल लिया है इस तरीके से। उसके बाद में इसके जो बैटरी का सॉकेट है उसको इस तरह से हटा देते हैं। उसके बाद में जो इसके स्क्रू लगे हुए हैं 3 स्क्रू, तो इनको खोल लेते हैं। तो इस तरीके से इसके सभी स्क्रू खोल लिया है और इसके सर्किट है वो बाहर आ गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें ये 2 रेजिस्टेंस फूकी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको बदल देते हैं, उसके बाद में फिर से इसको चेक करेंगे। तो आयरन की मदद से इसको निकाल कर इसमें नई रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इस तरह से इसमें दोनों रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, उसकी जगह पर इसमें लगाएंगे 2। ये देखिए 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोनों रेजिस्टेंस को उसी जगह पर लगा दिया है जहाँ से इसको निकाला था। उसके बाद इसको कर देना है सोल्ड। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे इस तरीके से, उसके बाद में इसको आयरन से सोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर दिया। उसके बाद में इसकी जो पिनें बाहर निकली हुई हैं उनको काट देते हैं कटर की मदद से बारी बारी से। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की पिनें को काट दिया है। अब उसमें जो बैटरी लगी है उसके सॉकेट को लगाते हैं। देखिए LED बल्ब है वो जलने लगा है, लेकिन इस तरह से इसको नहीं जलना चाहिए था। उसके बाद में चलिए बिजली में लगाते हैं। देखिए बिजली में जैसे ही लगाया तो ये ब्लिंकिंग करने लगा और इसका जो सीरीज बल्ब है वो जलने लगा है, मतलब अभी ये शॉर्ट है, पूरी तरह से अभी ये ठीक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो नीले रंग की MOV लगी हुई हैं उनको हटा करके फिर से इसको चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले बैटरी के सॉकेट को इस तरह से हटा देंगे, उसके बाद में जो नीले रंग की MOV हैं उनको निकाल देंगे बाहर, इन 2 MOV को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से MOV को निकाल लिया है बाहर, दोनों MOV को। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए चाहिए मेन लीड इस सीरीज बोर्ड में लगाते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। दोस्तों आप किसी भी सर्किट को चेक करें तो सीरीज बोर्ड से ही अवश्य चेक करें। तो इस मेन लीड को बिजली में इस तरह से लगा दिया है, चलिए अब इसको चेक करते हैं। इसकी दोनों पिनों में देखिए सीरीज बोर्ड है, सही काम कर रहा है। इस तरह से इसके दोनों पिनों में लगाना है, लेकिन अभी ये ठीक है। दूसरी चेक करते हैं तो ये भी ठीक है, मतलब सही है, इसमें कोई दूसरी ही प्रॉब्लम है। तो अब इस सर्किट में शॉर्ट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है और वो है इसका ब्रिज। देखिए ये 4 पिनों का इसका जो ब्रिज है वो ही शॉर्ट है और इसमें कुछ बचा ही नहीं है शॉर्ट होने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रिज को हटा देंगे। तो कटर की मदद से इसके 4 पिनों को काट देते हैं। तो इस तरह का मेरे पास ब्रिज नहीं है, तो इसमें 4 डायोड लगा करके उसका ब्रिज बना लेंगे। यह है डायोड 4007 नंबर के। तो सबसे पहले इसका ब्रिज बना लेते हैं। अगर आप ब्रिज बनाना जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनाना जानते हैं तो इसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो डायोड है इसमें जिस तरफ पट्टी बनी होती है वो होता है कैथोड का सिरा, और जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है वो होता है एनोड का सिरा। तो सबसे पहले जिस तरफ पट्टी बनी होती है उस तरफ दोनों डायोडों को उमेट लेना है, मतलब कैथोड की तरफ इस तरह से। उसके बाद में जो 2 डायोड और बचे हुए हैं उनको जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है, मतलब एनोड की तरफ, इन दोनों डायोडों को उमेट लेना है। तो इस तरीके से इनको भी उमेट लिया है। उसके बाद में क्या करना है, अब इनको आपस में उमेट लेना है इस तरीके से। तो देखिए अब ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। तो अब इनको सबसे पहले सोल्ड करके एक एक वायर इनमें काट देना है, सिर्फ एक एक वायर ही इसमें रखना है।
तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में एक एक वायर इसमें काट दिया, देखिए इस तरह का बन गया है ब्रिज। अब इसको लगाएंगे सर्किट में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। देखिए ये इस तरह का सर्किट बनाया हुआ था, ये डायोड का है ब्रिज और ये ब्रिज है बना हुआ, ठीक है। तो इसमें जिस तरफ दोनों तरफ पट्टी बनी थी, मतलब कैथोड की तरफ प्लस होता है, और जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है उस तरफ मतलब एनोड होता है, ठीक है। और इस तरफ सांप की तरफ जहां बना हुआ है, इस तरफ और इस तरफ, तो समझ लीजिए एसी है जहां से बिजली जाएगी। उसी तरह इसमें भी बना होता है, देखिए इस तरह से दोनों में बना हुआ है, मतलब इस तरफ से बिजली जाएगी और इस तरफ से करंट निकलेगा माइनस का और इस तरफ प्लस का, ठीक है। तो बिल्कुल इसी हिसाब से उसमें ये डायोड का ब्रिज लगाना है, जैसे कि ये ब्रिज था उसी तरह से इसका ब्रिज बनाया हुआ है, उसी तरह से फिट करना है। तो सबसे पहले इसमें मार्कर से लिख देते हैं, देखिए इस तरफ है माइनस और इस तरफ है प्लस का सिरा, जैसे कि इसमें ब्रिज लगा हुआ था उसमें इसी तरफ प्लस और माइनस लिखा हुआ था। तो अब इसमें ये डायोड का ब्रिज लगाएंगे, तो प्लस की तरफ जहाँ पर दोनों पट्टी बनी हुई थी उस तरफ सोल्ड करेंगे, और जिस तरफ पट्टी नहीं बनी थी उस तरफ माइनस के डायोड को इस तरफ फिट करेंगे। तो चलिए दोनों तरफ के डायोड को फिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस की तरफ इस तरह से इसको सोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद में इसको प्लस की तरफ, इस तरह से दोनों पिनें सोल्ड हो गई। अब दो पिनें बची हुई जो कि बिजली की तरफ लगेंगे, जिस तरफ रेजिस्टेंस से लगाई हुई थी उसी तरफ इन दोनों पिनों को सोल्ड कर लेना है। तो बारी बारी से दोनों पिनों पर दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है बिजली की तरफ। तो इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये पिनें आपस में कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शॉर्ट भी हो जाएंगी। देखिए सभी पिनें अलग अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें 5 वोल्टेज का करंट लगा करके, ये इसका जो 5 वोल्ट का सॉकेट है बैटरी वाला, तो इस तरह से इसको लगा दिया है। चलिए अब इसको बिजली में लगाते हैं। तो इस तरीके से बिजली के बोर्ड में लगाया है। देखिए अब एलईडी बल्ब है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एकदम सही हो गया है। चलिए अब इसको बिजली से निकाल कर इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं कि ये डायरेक्ट जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो इसको इस तरह से निकाल लिया है, अब इसकी पिनें को लड़ाएंगे। देखिए इस तरह भी ये जल रहा है, तो अब ये बिल्कुल सही तरह से काम करने लगा है, मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इस तरह से आप भी इस एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं, इमरजेंसी एलईडी बल्ब को। तो सबसे पहले अब इसके ढक्कन को बंद करके इसको फिर से एक बार जलाएंगे। तो इस तरह से ढक्कन बंद कर लिया है, एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।